आज पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम है, तो वहीं आज विशेष मंदिरों में गणेश चतुर्थी को लेकर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो मंदिरों में साज सज्जा की व्यवस्था भी की जा रही है। तो आज कहीं देश भर में घरों में लोग गणेश प्रतिमा को विराजमान करने को लेकर विशेष पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। तो साथ ही हम इस वक्त मौजूद हैं उज्जैन जिले के एक ऐसे मंदिर में जो कि काफी प्राचीन मंदिर है और चिंतामण गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध जाना जाता है। आज इस मंदिर की काफी विशेषता है जो कि हम यहाँ मंदिर में आए श्रद्धालुओं से और पंडित जी से जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ एक श्रद्धालु मौजूद है जो कि आयोजक भी है मंदिर के और यहाँ पर जो काफी सालों से विशेष आयोजन भी करते आ रहे हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज क्या विशेष आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है और चिंतामण गणेश मंदिर में हर साल कुछ विशेष आयोजन किया जाता है, तो इस बार क्या आयोजन किया जा रहा है? सर्वप्रथम तो चिंतामण गणेश जी की सबको बधाई कि आज चतुर्थी का पर्व है और इस पर्व पर पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चिंतामण गणेश मंदिर तराई में स्थित है जहाँ मैनपुर के पास में है और ये एक बहुत ही परमारकालीन मूर्ति है यहाँ पे, जिससे हर जो भी अपन इच्छा मांगते वो पूरी होती है और यहाँ धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। विशेष चतुर्थी पर विशेष तरह की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है, जो हर साल भजन संध्या वगैरह होती है और यहाँ एक भंडारा और प्रसादी का वितरण हमेशा चलता है और यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। जैसी मेरे खुद का भी मानना है क्योंकि मेरा परिवार और मैं हमारी जो उन्नति है उसमें इस गणेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हर साल यहाँ पर विशेष आयोजन किए जाते हैं और भजन संध्या का आयोजन आज इस प्रकार से रखा भी गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इस मंदिर की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर जो गणेश जी विराजमान है उनकी सूंड दाईं ओर है। अधिकांश गणेश जी की सूंड बाईं ओर होती है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है क्योंकि गणेश जी यहाँ बाल स्वरूप में विराजमान है और यहाँ पर दूर दराज से भक्तगण अपनी मन्नत मांगने आते हैं, जो कि काफी विशेषता को लोगों की मन्नत मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आइए हम इसी प्रकार से और भी जानना चाहेंगे, हमारे साथ मंदिर की पूजा जी भी है और उनसे हम जानना चाहेंगे कि मंदिर की क्या विशेषता है और किस प्रकार से यहाँ पर विराजमान है गणेश जी। पंडित जी, आज यहाँ पर गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है और यहाँ पर हम चिंतामण गणेश मंदिर में, तो क्या विशेषता है गणेश मंदिर की यहाँ पर? मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं, बाबा का आशीर्वाद उनका बना रहता है, ये विशेषता है। पंडित जी, जैसे गणेश चतुर्थी को लेकर घरों में भी लोग गणेश जी विराजमान करते हैं, तो किस शुभ मुहूर्त में विराजमान करना चाहिए और किस क्या विशेषता है, क्या ध्यान रखना चाहिए विशेष लोगों को? स्थापना करने के लिए शुभ है प्रारंभ से लोग स्थापना करना प्रारंभ कर देते हैं, तो मध्यान्ह में 12 बजे गणेश जी की शुद्ध आरती होती है, महाआरती का आयोजन किया जाता है। महाआरती का आयोजन दिन में 12 बजे। जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ पर चिंतामण गणेश मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, तो चिंतामण का क्या विशेष और क्या महत्व है, ऐसा क्यों नाम रखा गया है गणेश जी को लेकर? आदिकाल से प्रारंभ चिंता रखने वाले श्री गजानन जी को सर्वप्रथम माना गया है क्योंकि गणेश अध्यक्षों के मेन अध्यक्ष हैं, सभी देवताओं के गणाध्यक्ष हैं, इसलिए ये चिंतामण गणेश हैं और मुख्य हैं, इनके विराजमान हैं श्री मंदिर, इसलिए चिंतामण सिद्ध विनायक चिंतामण गणेश मंदिर। जैसे कि पंडित जी ने अभी हमें बताया है कि यहाँ पर चिंतामण गणेश मंदिर क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि गणेश जी यहाँ पर लोगों की चिंता हरण करने के लिए यहाँ विराजमान रहते हैं और जो दूर दराज से मनोकामना रास्ता मन में लेकर आते हैं श्रद्धालुगण, उनकी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। जैसे कि हमारे साथ एक श्रद्धालु ने बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो गोद भराई है वो यहाँ पर विशेष मानी जाती है क्योंकि मनोकामना और आस्था लेकर जो भगवान के दर पर आते हैं तो मनोकामना उनकी जल्दी पूर्ण होती है। इसी प्रकार से पंडित जी ने बताया है कि घरों में भी किस प्रकार से गणेश जी की प्रतिमा का विराजमान कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए उज्जैन से अंकित जायसवाल।